हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूं वो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, इस एग्जांपल को मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। इस एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन बात क्या है, आपने एक चीज सुनी होगी ना कि डूइंग मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सभी कहते हैं कि इंसान गलतियां करता है तो उसका एक्सपीरियंस है, वो सीखता है। क्या ये सच है? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, गलती से इंसान सीखता है। लेकिन ये रॉन्ग है कि गलती करने से हम नहीं सीखते। करेक्शन ऑफ मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मुझे ये लगता है जब तक हम वो गलती की करेक्शन नहीं कर लेते तब तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो नहीं उठाया गया। तो आज हम क्या गलती है उसका क्या करेक्शन है मैं आपको बताऊंगा कि ये सच है। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे मिलने आ रहे हैं मुझे, या फिर मैं बोलूं के फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज आपको आज मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं ये 100% सच है। भूल कर भी ये गलती ना करो। मैं तो ये बोलूंगा कि 2019 में ये गलती को पीछे छोड़ दो, ताकि 2020 में जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, ताकि हम जो सक्सेस है सिर्फ उसी को अचीव करें। तो चलिए ध्यान से देखो मैंने क्या एग्जाम्पल बनाई है। अब बच्चों के फोन कॉल्स आते हैं, नॉर्मली मैं उनसे पूछता हूं कि आपका क्या प्लान है। किसी बच्चे ने मई में बोथ ग्रुप्स का प्लान रखा हुआ है, किसी ने चाहे सिंगल का रखा हुआ है, लेकिन उनको पूछो तो वो क्या कहते हैं कि सर हमारा फिक्स है, हमने प्लानिंग भी कर रखी है, किस हिसाब से हमने अपना एक ग्रुप खत्म कर देना है जी, हमने 15 फरवरी तक, उसके बाद हमने दूसरे ग्रुप को खत्म कर देना है 40 दिन लगाकर, फिर हमारे पास एक महीना बचेगा रिवीजन के लिए। तो ऐसे नॉर्मली डिस्कशन होती है। अब आप इस एग्जांपल को देखो, ये जलंधर से दिल्ली जाने के लिए कह लो कि यहां पर 60 पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। आप सोचो कि बनाए तो दो ही हैं, वो दो से 60 बनाता तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए थी, 60 मानकर चलो इनको कि जलंधर से दिल्ली जाने के लिए 60 पैसेंजर्स यहां पर वेट कर रहे हैं, उन्होंने बस में जाना है दिल्ली। तो मैं आपको बता रहा हूं हमारा जो जलंधर से दिल्ली का डिस्टेंस है ना, आप ये सोच लो कि बस का ड्राइवर मैं हूं, तो जलंधर से जो दिल्ली डिस्टेंस है ना वो नॉर्मली 375 से 400 किलोमीटर के बीच बीच है। तो 8 घंटे नॉर्मली बस में लग जाते हैं एवरेज दिल्ली पहुंचने में। तो ये मैंने रास्ते में बनाया हुआ है कि ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जलंधर टू लुधियाना पहला स्टेशन है, नॉर्मली 1.25 घंटा लगता है। मैं जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल बनाने के लिए 2 घंटे लिख रहा हूं, जलंधर टू लुधियाना 2 घंटे लगे, फिर लुधियाना टू अंबाला 2 घंटे, क्योंकि अंबाला में हमारा हाफ हो जाता है दिल्ली का, अंबाला टू पानीपत फिर से 2 घंटे लगे, और पानीपत टू दिल्ली 2 घंटे लगे। अब मान लो मैंने ये चीज नहीं नोटिस की, मैंने 60 पैसेंजर्स को बोला बैठो मेरी बस में, हम 8 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ, जब मैं 60 पैसेंजर्स को लेकर चल रहा था तो जब अल्टीमेटली हम पानीपत के आसपास पहुंचे तो मैंने देखा कि यार 7.5 घंटे हो चुके हैं, तो अभी दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे में मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं तो क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। उस वक्त क्या आवाज आती है, मम्मी मैं नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। अरे यार क्यों नहीं हो पाएगा, अगर मैं ये डेस्टिनेशन पर जब पहुंचना था तो बीच में छोटी छोटी डेस्टिनेशन बना के रखता कि जलंधर टू लुधियाना अगर मुझे पहुंचने में 2 घंटे की बजाय 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो जब मैं लुधियाना टू अंबाला आगे बढ़ूंगा तो मैं वहां पर थोड़ा एक्सीलेटर ज्यादा दबा लेता हूं, कुछ मैनेज कर लेता हूं, ताकि 15 मिनट अगर लेट हो रहा हूं तो 15 मिनट वहां पर अपने पूरे कर लूं, ताकि मुझे पता हो कि 4 घंटे में मुझे अंबाला पहुंचना ही पहुंचना है। अगर हम ये रास्ता नापते चलेंगे, टाइम को देखते चलेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि हमें 8 घंटे से ज्यादा लग जाए। लेकिन हमारे पास बीच वाली जो डेस्टिनेशन है ये तो मैं काट ही देता ना, ये तो होती ही नहीं है ना बच्चों के पास, बस उनको हर तरफ से यही सुनने को मिलता है और वो खुद ही इसी चीज को लेकर चलते हैं कि हमने इतनी देर तक ये कर लेना है, इतनी देर तक ये कर लेना है। आपने देखा होगा कि मैं जितना भी प्लानिंग पर जोर देता हूं, मैं आपको सच सच बताऊं इतनी देर हो गई है मुझे कह लो कि प्लानिंग करते करते, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्लानिंग इतनी खून में बस चुकी है। चाहे कोई काम लेट स्टार्ट हो लेकिन वो कभी लेट खत्म नहीं होता, खत्म टाइम से 2 दिन पहले ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज को काउंट करके चलने की आदत अपने अंदर समा चुका हूं कि एक एक दिन में हर चीज को काउंट कर लो, इस दिन में मेरा ये है, इस दिन में मेरा ये है। अगर आज वाला मेरा लेट हुआ तो अल्टीमेटली लास्ट वाला भी लेट होगा, तो आज वाला मेरा बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ये चीज सोच ली, अच्छा आप यहां पर दो ग्रुप वाले बच्चों की बात सुनो, वो क्या करते हैं कि उनके माइंड में ये चीज फिक्स बैठी हुई है कि जी बोथ ग्रुप्स करने हैं, हमें सब हर कोई बोलता है
आप ये मानकर चलो आपके चार पेपर नहीं है, अगर आप ऐसे सोचो कि दो ग्रुप तो बर्डन आएगा, आप यही मानकर चलो कि वो एक ही है, आठ ही पेपर है आपके। मैं मानता हूं ये बात सच है, लेकिन ये बात सच किस दिन होती है, जिस दिन आपने अभी रजिस्टर करवाया है, आपके एग्जाम को एक डेढ़ साल दो साल का टाइम पड़ा हुआ है, तब तो मैं भी बोलूंगा कि मिक्स करके पढ़ना शुरू कर दो अगर आपने दो देने हैं। लेकिन अभी जैसे आपके पास तीन चार महीने एंड में रह जाते हैं, फिर आपको क्या चाहिए, पहले एक को अच्छा सा तैयार कर लो, फिर देखो कि क्या राइट टाइम बच रहा है, मैं दूसरे को उठाऊं, कहीं ये ना हो दो एक के उठा लिए, दो एक के उठा लिए, जब एक मिड वाला टाइम आया तो अब आप सोच रहे हो कि अब ना मैं सेकंड की तरफ हो पा रहा हूं, ना मैं फर्स्ट की तरफ हो पा रहा हूं, दोनों के बीच में मैं आकर खड़ा हो गया हूं, दो कश्तियों में मैंने पैर रख दिया, अब बस अब मुझे नहीं समझ लग रहा क्या हो रहा है, अब अगली बारी देखी जाएगी, है ना, यही होता है ना। बस ये चीजों को यार अवॉइड करो, अपने दिमाग से सोचो जो भी सुनी। अच्छा एक चीज बस सोच लिया करो, भेड़ चाल में ना फंसो कि अगर एक भेड़ जा रही है तो आगे कुआं है, तो उसके पीछे जितनी जाती है ना, अब देखो जो भेड़ होती है ना वो मैंने देखा है नॉर्मली झुंड में चलती है, तो आगे अगर कुआं है, अगर एक भेड़ जाके कुएं में गिरेगी ना तो सारी भेड़ उस कुएं की तरफ ही जा रही है, ये सोच लो। तो हम लोगों की नेचर क्या होती है यार, उधर इतना रश है वही सारे ठीक होंगे उनकी तरफ ही चलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है, ये नहीं है कि जिधर रश है वो सारे ठीक है, ये भी हो सकता है जिधर सिर्फ एक बंदा खड़ा है वो ठीक हो, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो अकेला चल रहा है, वो दुनिया में कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों नहीं ठीक होगा। हमें यही क्यों लगता है कि सारी भेड़ एक तरफ जा रही है वही ठीक होंगी। अगर आपने ये करके देखना है तो अब भी ये अगर करके देखना है तो आपकी च्वाइस है, फिर आप भी जाकर कुएं में गिरोगे, फिर कोई क्या कर सकता है यार, अब इससे ज्यादा और क्या समझाया जाए। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये चीज मेरे साथ प्रॉमिस कर लेनी चाहिए, जो भी ऐसी गलतियां हैं वो शेयर करो मेरे साथ मैक्सिमम, और ये प्रॉमिस करो कि 2019 में ये हम चीजें पीछे छोड़ने वाले हैं, हम भेड़ चाल में नहीं फंसने वाले, हम अपने दम पर अपना कुछ करके दिखाएंगे, चाहे अकेले रहें, लेकिन बहुत कुछ कह लो जो बंदा लाइफ में अचीव करता है ना वो अकेले रहकर ही अचीव करता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता होगा यूट्यूब पर एक कम्युनिटी टैब होती है, वहां पर जाकर मेरी कम्युनिटी टैब को जरूर देखा करो, वहां पर मैं बहुत सारे कोट्स फोटोज वगैरह शेयर करता हूं अच्छी अच्छी किसी ना किसी पर्पज को लेकर, तो वहां से आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। तो आज ही अभी खोल कर देखना कम्युनिटी टैब में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि मैं वहां पर क्या क्या शेयर करता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिखा देता हूं, राइप क्लासेस के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, आने वाले टाइम में जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे मेक एग्जाम की तरफ, तो बहुत कुछ मैं वहां पर आपके लिए शेयर करूंगा। तो अल्टीमेटली अगर अभी भी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर आपको यूनिक नया कंटेंट, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मिले, और जो भी मिले वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको पास कराने के लिए सब कुछ ऐसा हो कि बस रोज एक एक करके चीज सीखते जाओ और पास की तरफ बढ़ते जाओ। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।